फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल निकुंज बुटीक। फ्रेंड, आज हम एक लेस लगाएंगे, मोती वाली लेस अम्ब्रेला मशीन के साथ। तो आज मैं इसमें वीडियो में बताऊंगी कि कैसे आप एक अम्ब्रेला मशीन से भी बहुत बड़े मोती वाली लेस भी लगा सकते हैं। उसके लिए हमें चाहिएगा ये सिंगल प्रेशर फुट। ये देखिए, ये दो टाइप का होता है, एक इस तरफ का और दूसरा इस तरफ का। इसमें ये वाला होगा, इस तरह से ये शेप बनी हुई है, तो मतलब आप इस तरफ से लेस रख के बना सकते हो, इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। ये देखिए, और ये देखिए, इस तरह से ये चलेगा इस पे। तो ये लेस साइड में रहेगी मोती, तो इसमें ना फंसेगा और ना ही सुई टूटने का डर रहेगा। दूसरा है ये इस तरफ वाला, आप ऐसे भी लगा सकते हो, ये इस तरीके से, ये इधर से चलेगा और लेस इस तरफ रहेगी। तो मेरे पास ये दोनों टाइप के मैं रखती हूँ, तो आइए मैं बताती हूँ कैसे आप इसको चेंज करके लगा सकते हैं। ये नॉर्मल इसमें प्रेशर फुट लगा हुआ है, ये हम हटाएंगे। इसको निकालेंगे, साइड रखेंगे और फिर ये सिंगल वाला लगाएंगे इस तरीके से। जब आप लगाएं, लगाने के टाइम में ही अपनी नीडल की पोजीशन जरूर चेक करें ताकि वो कहां पे आ रही है। एक दो बार नीचे ऊपर करके देखें। कई बार इस पे प्रेशर फुट पे टच होती है तो वो ना हो, इस तरीके से अपना चेक जरूर करें। धागा इंसर्ट करेंगे नीडल में और इस तरीके से देखिए, ये मैं एक प्लेन सूट पे लगा रही हूँ लेस। ये देखिए, इस तरीके से ये लेस होगी। लेस में जो एक्सेस बीट्स लगे हुए हैं उनको निकाल लें। निकालने के बाद इसको प्लेन, जो हमारा ये पट्टी निकल जाएगी, उसको फोल्ड करें। धागे को इस तरह से अंदर पैक कर दें ताकि ये धागा बाहर निकलेगा तो मोती निकलते रहेंगे। धागे को अंदर पैक करते हुए इसको फोल्ड करेंगे और इस तरीके से अब इस तरफ होगा ये अंदर फोल्ड। फिर इस तरीके से इस पे रखेंगे। रिवर्स स्टिच देना है एक और उसके बाद स्टार्ट करेंगे। इसमें हमने खींचना नहीं है लेस को, बिल्कुल भी हल्के हाथ से, और इस कपड़े को थोड़ा एक्स्ट्रा रखते हुए। धीरे धीरे इसको पूरा। इसमें कई बार होता है कि हम भी जब लगाते हैं तो फिसल जाता है, तो इसको कपड़े को बिल्कुल इसके ऊपर कवर करके और खींच के रखना है हल्के हाथ से। एक चीज को नहीं खींचना है, लेस को या कपड़े को, दोनों को साथ में खींच के धीरे से इस तरीके से इसको लगाना है। देखिए, अब हम आ गए हैं इसकी स्लिट पे, कॉर्नर पे। अब हल्के से मूव करेंगे और इस तरफ का स्टार्ट कर देंगे। मैं कमीज के साइड स्लिट में लगा रही हूँ। आप इसको इस तरीके से कहीं पे भी, गले पे, बाजू पे, बीच में कहीं डिजाइन कर रहे हैं, कहीं पे भी आप यूज कर सकते हैं इस तरह की लेस को।
अब हमारा पूरा होने जा रहा है। जब एंड होने लगे तो उससे एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा कट करेंगे और इस तरीके से एक्स्ट्रा बीट्स को निकालते हुए धागे को अंदर की तरफ मोड़ देंगे, इसमें कवर कर देंगे धागे को, और फिर जो ये पट्टी निकल जाती है उसको फोल्ड करेंगे और इस तरीके से रिवर्स स्टिच देंगे। ये बहुत ही अच्छे से पूरी लग जाती है लेस। ठीक है, मैंने एक साइड की पहले से लगा के रखी हुई है। ये प्लेन सूट मैंने बनाया था तो उन्होंने बाद में लेस मुझे दी, नहीं तो इसमें ये भी नहीं दिखाई देता है। जैसे हम पाइपिंग लगाते हैं उसी तरीके से इसको भी हम फोल्ड कर सकते हैं ताकि ये पट्टी नजर ना आए, लेकिन ये पूरा सूट बन के रेडी हो गया था तो मैंने इसी तरीके से इसको यूज कर लिया है। ये देखिए बोट नेक गला है इसका, इस पे मैं इस तरीके से उन्होंने ये थ्री बटन्स लगवाए हैं। देखिए अब स्लीव पे भी मैं इसी तरीके से लगाऊंगी जैसे इस तरीके से लगा हुआ है। ये बहुत ही अच्छी नजर आती है कुर्ती बनने के बाद। और फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज प्लीज कमेंट करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।